हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। नरगिस दत्त फाउंडेशन ने सोनाली बेंद्रे के साथ सेलिब्रेट किया वर्ल्ड कैंसर डे। देश भर में आज वर्ल्ड कैंसर डे को सेलिब्रेट किया गया। नरगिस दत्त फाउंडेशन, जिसकी शुरुआत सुनील दत्त द्वारा की गई थी और जिसे अब उनकी बेटी प्रिया दत्त संभालती है, आज इस वर्ल्ड कैंसर डे पर नरगिस दत्त फाउंडेशन ने इस दिन को लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए सेलिब्रेट किया। कुछ कैंसर सर्वाइवर्स ने स्पीच की और लोगों तक कैंसर इज क्यूरेबल वाली बात तक पहुँचाई। इन स्पीकर्स में बॉलीवुड एक्ट्रेस और कैंसर सर्वाइवर सोनाली बेंद्रे भी शामिल रही। I would like to take this opportunity to thank all of you for the support and the love that has been given. I did not expect it. It was a wonderful surprise. I'm glad I shared my news. I would have never known I was loved so much. So thank you so much for that. And that brings me to a very, very important point, which is that till we don't share it, till we don't acknowledge it and tell people, how will they know that this is what you're going through? And you never know, when you share it, you probably will get so much love that it makes the journey easier. So when I came out with my news and when I got the response from everybody, I realized that this was like a stigma. So many people were going through it, but everybody was kind of scared to talk about it. Nobody really admitted to it. I had people writing in to us and they said they hadn't told their parents or they hadn't told their friends, and they were going through this journey all alone. This is a tough journey. In fact, a lot of times, and anybody who's been through it will tell you, more than the disease, it's the cure, and the treatment is really harsh and takes a lot out of you. आज सबसे छोटे स्पीकर में इमरान हाशमी के बेटे अयान हाशमी, जो खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर है, उन्होंने भी लोगों तक स्पीच के जरिए अपनी बात पहुंचाई। सोनाली बेंद्रे और प्रिया दत्त ने बताया कि जितना इलाज इम्पोर्टेंट है, उतना ही अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है, और इस वर्ल्ड कैंसर डे पर वो चाहते हैं कि हर एक लोग इस चीज को लेकर जागरूक हो, ताकि सही वक्त पर उन्हें सही इलाज मिल सके। वहीं प्रिया दत्त ने बताया कि कितना मुश्किल रहा नरगिस दत्त फाउंडेशन को यहाँ तक पहुँचाना। नरगिस दत्त फाउंडेशन स्टार्टेड इन 1981, दैट वाज द टाइम माय मदर पास्ड अवे, एंड वी सेट अप दिस फाउंडेशन सो दैट वी कुड रीच आउट टू ऑल द पीपल इन आवर कंट्री who couldn't afford good medical treatment for cancer. And today I'm so happy we started off with a celebration, and people must be wondering, it's cancer, World Cancer Day today, why do we have the music and the celebrations here? But I think it's very important, because when you read this, we are supporting the fighters, admiring the survivors, and honoring the taken, and never ever giving up hope. And that's what we are here for today, to tell people that there is hope. And cancer is not the end. Royal Stag Barrel Silit Laj ne host ki short film Nawab ki special screening. स्क्रीनिंग में फिल्म के स्टार कास्ट आए नजर। आज मुंबई में शॉर्ट फिल्म नवाब की स्क्रीनिंग देखने को मिली। इस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट और करीबी दोस्त फिल्म नवाब की स्क्रीनिंग देखने को पहुंचे। हम आपको बता दें कि फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि एनिमल्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए। अपार शक्ति खुराना ने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इसके अलावा जिन्होंने ये शॉर्ट फिल्म देखी है, सभी बहुत ही एक्साइटेड लगे और बताया कि हमें अपने एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट फिल्म्स की यही खूबी होती है कि चाहे वो 2 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 9 मिनट की हो, या उससे ज़्यादा थोड़े कुछ मिनट की हो, अगर आप एक मैसेज, एक कहानी उतने मिनटों में बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको स्माइल करा दे या रुला दे, देन दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ अ शॉर्ट फिल्म। नवाब भी यही है कि मुझे देखे यही रियलाइज़ हुआ कि हम अपनी जिंदगियों में इतना उलझ जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हमारे इमोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बाकी लोगों के इमोशंस या फिर
इस केस में एनिमल्स जो डॉग है या डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके इमोशंस हम भूल जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपार शक्ति खुराना ने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। या टचवुड, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम एज वेल। आई थिंक इट्स अ वेरी प्योर ऑर्गेनिक मीडियम। जितनी भी शॉर्ट फिल्में इस समय बन रही हैं हमारे देश में, बहुत ज़्यादा दिल से अपकमिंग फिल्म मेकर्स बना रहे हैं। एंड मानसी को तो मैं अपकमिंग फिल्म मेकर भी बोलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दो तीन अच्छी शॉर्ट फिल्म बना चुकी हैं एंड यू नो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी यू नो राइटिंग टीम में वो हैं। सो आई थिंक शी इज़ डूइंग सम फैब जॉब। द डे शी नरेटेड दिस टू मी आई वाज लाइक आई एम टोटली इन। और इसके अलावा जिन्होंने ये शॉर्ट फिल्म देखी है सभी बहुत ही एक्साइटेड लगे और बताया कि हमें अपने एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। वेब सीरीज क्लास ऑफ 2020 के सक्सेस की खुशी में विकास गुप्ता ने होस्ट की पैजामा पार्टी। मास्टरमाइंड विकास गुप्ता के क्लास ऑफ 2020 के एपिसोड हाल ही में अल्ट बालाजी भी आप सभी को देखने मिले हैं। वही शो को काफी पसंद भी किया जा रहा है, इसलिए विकास गुप्ता ने इस खुशी में पैजामा पार्टी रखी है, जहाँ क्लास 2020 के रोहित चेतन पांडे और विकास गुप्ता के साथ पूरी टीम मौजूद हुई है और सभी ने इस शूटिंग के दौरान की सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। मैं यार बॉम्बे की लड़की हूँ, बॉम्बे गर्ल हूँ। मैंने अपना सारा कॉलेज, स्कूल, MBA बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई, सब कुछ बॉम्बे से किया है। बट आई हैव नेवर एंजॉयड कॉलेज लाइफ वेरी ऑनेस्टली। बहुत सारी यादें ताज़ा हुई। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि स्कूल टाइम सबसे अच्छा होता है, और आई एम श्योर आप सब भी यही मानते होंगे। जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे उनको भी ये लगता होगा कि स्कूल टाइम से बेटर कोई टाइम नहीं होता, बिकॉज उस टाइम पे हम इतने केयर फ्री होते हैं, हमें टेंशन नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। उस टाइम की टीचर की डांट भी बहुत अच्छी लगती है, और मतलब पता नहीं आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे, बट मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मस्ती खोर बच्चा कोई नहीं होगा। मैंने इतनी मस्तियाँ की हैं स्कूल में, अगर मेरे टीचर सुन रहे होंगे तो वो हंस रहे होंगे इस वक्त। सिर्फ क्लास 2020 की टीम ही नहीं बल्कि कई टीवी सेलिब्रिटीज भी इस पार्टी में नजर आए। सभी ने हमें क्लास ऑफ 2020 देखने की एक्साइटमेंट बताई, और जहां ये शो स्कूल लाइफ पर बेस्ट है, वहीं सभी ने अपने स्कूल के यादें हमसे शेयर की। साथ ही इस पार्टी में बिग बॉस के कुछ एक्स और करंट कंटेस्टेंट भी देखने को मिले। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म लव आजकल 2 का प्रमोशन करते आए नजर। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।